नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ क्विज़ के अपडेट लेके आता हूँ। तो मैं आपको कह रहा था कि वैसे डे वन से मैं यही चाहता था आप लोगों को मौका मिले, और मैंने हमेशा चाहा कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छा कर सकूँ, ठीक है ना। तो वैसा हो चुका है, आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाए। और ये PRT का अलग नोटिफिकेशन आया, तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत रह जाती है, वो दिक्कतें ना रहें। पहले तो पोस्ट कितनी है, सब कितनी है, तो पहले से ही मार्केट में चल रखा है और आपको पता ही है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया कोरोना की वजह से। हमने सोचा था कि रिलैक्सेशन देंगे, मैंने कहा था, जिसका भी कमेंट था मैंने आपको हमेशा कहा था कि देना चाहिए, देंगे नहीं देंगे ये नोटिफिकेशन बताएगा, तो इन्होंने नहीं दिया, वो छोड़ो। लेकिन फीमेल कैंडिडेट को मैंने कहा है, बता रखा है 10 ईयर का रिलैक्सेशन है PRT का। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए एज लिमिट जो है वो कितनी है, 40 साल है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और BEd वालों के लिए वो लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है कि वो फॉर्म भरेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगेंस्ट आता है तो उनके प्रोसेस को इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ वही है, पूरा का पूरा वही है जैसा कि लास्ट टाइम था, एग्जैक्टली वैसा ही है इस बार भी। जैसा कि लास्ट टाइम था वैसा ही है इस बार भी, कोई चेंजेस नहीं किए एलिजिबिलिटी वाइज, ठीक है ना। सारे के सारे क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ वही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद आज रात को मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि कौन कौन से बारीक पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने हैं इस फॉर्म को भरते समय, या फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें इसको ध्यान देते समय। धन्यवाद।